सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आरके डीजल गैरेज को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड मेरा नाम है रिजवान। तो मेरे पास आई है बोलेरो कैंपर गोल्ड, जिसमें कि स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है और कभी तो स्टार्टिंग हो जाती कंप्लीट हो जाती है स्टार्ट, और कभी नहीं होती और स्टार्ट होकर बंद हो जाती है गाड़ी। इसमें करने वाले स्कैन और स्कैन करके बताने वाले हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो कि BS4 है। और इसको करने वाले चेक, इसको करेंगे स्कैनिंग, जो कि ये गाड़ी है और इग्निशन ऑन। ये आपको एक बार स्टार्ट करके बता देते हैं। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट की, जो कि लॉन्ग सेल। अब मैं एक्सीलेटर करूँगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। ये गाड़ी बंद हो गई, जिसमें कि इंजन लिख के आ रहा है वो आप देख सकते हो। और इसको करते स्कैनिंग, इसमें यहाँ पे होता है स्कैनर कनेक्ट, यहाँ स्कैनर कनेक्ट हमने कर दिया है। जाएंगे महिंद्रा में, क्योंकि हमारे पास बोलेरो कैंपर का ऑप्शन नहीं है। एक्सलो 1755 में हो जाएगा इसका काम, एक्सलो 1755। रेड कोड में आ रहा है फ्रेंड रेल प्रेशर, जो कि रेल प्रेशर नहीं बन रहा इसमें कम्प्लीटली। पॉजिटिव सेंसर, जो कि फ्रेंड इसमें रेल प्रेशर सेंसर की प्रॉब्लम नहीं है, जो कि इसमें प्रॉब्लम है पीछे से, इसमें डीजल नहीं आ रहा है प्रेशर से, जो कि इसमें फ्यूल पंप मोटर लगा हुआ होता है उसमें मतलब प्रेशर नहीं है, इसके लिए ये रेल प्रेशर बता रहा है। कुछ लोग रेल प्रेशर सेंसर बताने की वजह से खोल देते हैं, रेल प्रेशर वगैरह सेंसर वगैरह चेंज कर देते हैं, रेल भी चेंज कर देते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सही नहीं होती है। इसके लिए आपको टंकी खोलनी होगी इसकी, जो कि आपको टंकी खोल के बता रहे हैं। ओके फ्रेंड, हमने ये डीजल टैंक उतार दिया है और फ्यूल पंप मोटर भी खोल दिए। अब इसको बाहर निकालेंगे और अभी बाहर निकालते, जो कि हमने मोटर बाहर निकाल दिए। इसमें जो प्रॉब्लम हुई है फ्रेंड, वो जो कि इसकी ये पाइप आती है यहाँ पे, जो कि इसके अंदर फिट होती है, जो कि नीचे लगा हुआ है वाल, जो कि ये लगा हुआ है वाल, जो कि वाल में लगती है, जो कि प्रेशर रिलीज कंट्रोल वाल होता है, जो कि ये पाइप बाहर निकल गई, इसके लिए ये इसका कनेक्शन देख सकते हो, यहाँ से ये कनेक्शन है, जो कि फ्रेंड अगर वाल से बाहर निकल गई तो यहाँ से फ्यूल सीधा यहाँ से निकल जाता था बाहर, जो कि ऊपर कम जाता था यहाँ से निकल जाता, जो कि गाड़ी स्लो में स्टार्ट होती थी और एक्सीलेटर देते बंद हो जाती, क्यों प्रेशर जितना डीजल चाहिए था उतना गाड़ी को मिल नहीं रहा था। इसके लिए हमने जो प्रॉब्लम नोटिस की है वो है इसकी मोटर, जो कि अब करने वाले इसकी या तो ये पाइप रिपेयरिंग करेंगे या फिर कस्टमर जो बोलेगा उस हिसाब से हम कर देंगे। और बताते हैं आगे की फिटिंग। हमने मोटर वापस फिटिंग कर दिए, उसी को रिपेयरिंग की थी और उसी का पाइप निकला हुआ था, वो वापस क्लिप व्लिप लगा के वापस लगा दिया है, चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि फ्रेंड ये गाड़ी हमने कंप्लीट कर दी है और इसका फ्यूल टैंक वापस लगा दिया है, फ्यूल पंप मोटर। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इग्निशन ऑन स्टार्ट करके आपको बताने वाले। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई कंप्लीट और ये मैंने एक्सीलेटर फुल प्रेस कर दिया, गाड़ी बंद नहीं हो रही है। एकदम कंप्लीट है और स्टार्टिंग कंप्लीट है। पहले स्टार्टिंग का इशू था और बंद होने का, सब कंप्लीट हो गई है।
इसमें मोटर की प्रॉब्लम थी, जो कि इसकी वाल वाली पाइप निकल चुकी थी। गाड़ी बंद कर दी, इग्निशन ऑन, जो कि आप देख सकते हो कोड फैन P1D87। अगर ये कोड आता है तो आप फ्यूल पंप मोटर चेंज कर सकते हो कोई भी गाड़ी की जिसमें फ्यूल पंप मोटर लगी हुई है। महिंद्रा में कोई भी गाड़ी हो उसमें अगर ये फॉल्ट आता है तो कोई रेल प्रेशर सेंसर का, तो उसमें आपको रेल प्रेशर वगैरह कोई इंजेक्टर खोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग खोल देते हैं इंजेक्टर, लेकिन इंजेक्टर प्रॉब्लम नहीं होते हैं, फिर मोटर प्रॉब्लम होती है, मोटर डालने से ये प्रॉब्लम होती है, सही हो जाएगी और मोटर डालते ही कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। और P1D87 ये फॉल्ट कोड है। और अब इसको करते हैं इरियस, ये हो गया एरियस। अब वापस से फॉल्ट कोड चेक करते हैं, कोई फॉल्ट कोड नहीं है। कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और महिंद्रा कोई भी कार वगैरह रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।